पावन है ये बार। इस दिन होता शिव का वंदन, गूंजे है जय का दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। महादेव भोले भंडारी नाथों के है नाथ, सरल हृदय से इन्हें मना लो देते हैं ये साथ। सोमवार के दिवस पे इनका होता पूजन न्यारा, शिव शंकर का नाम है जग में भक्तों सबसे प्यारा। जग के दाता अविनाशी शिव भरते हैं भंडार, इस दिन होता शिव का वंदन, गूंजे हैं जय का दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। एक नगर की बात बताऊं कहूं मैं पूरा हाल, चारों तरफ हरियाली छाई लोग बड़े खुशहाल। धन धाने से परिपूर्ण थे कमी न कोई खलती, भक्ति भाव से भरे थे सभी सारी खुशियाँ मिलती। डमरू वाले शंकर सबके भरते थे भंडार, सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। नगर में बेजू नाम का भगत निराला रहता, उसी भगत की कथा सुनो तुम गाथा जग ये कहता। भक्ति से पहले थी मन में उसके कुछ नाराजी, शिव से नफरत करने लगा जाने क्या मन में ठानी। पूजन शिव का मन से वो तो देता था दुत्कार, सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। शंकर के प्रति उसके मन में रोष सदा ही रहता, ईर्ष्या रखता था शिव से वो शिव से घृणा करता। अजब निराला ढंग था उसका कैसी पूजा करता, कांटे और बबूल को लाके शिव चरणों में रखता। शिव जी भी मुस्काते देख के उसका ये व्यवहार, सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। भगत ऐसा भी सुन लो नित ही मंदिर जाए, शिव चरणों में पुष्प चढ़ाए शिव का वंदन गाए। लेकिन उसका रंग ढंग ऐसा निर्धन को दुत्कारे, बाहर जो मिलते थे भिखारी उनको ताना मारे। उसकी पूजा झूठ दिखावा छल था वो मनुहार, सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए। रोज का कारण यही था उसका आकर पुष्प चढ़ाए, भक्त दूसरा बेजू आए कांटे रोज चढ़ाए। शिव शंकर भी समझ रहे थे कैसी किसकी भक्ति, एक दिखावा झूठा करता दूजे में थी भक्ति। सालों साल तक चलता जाता भक्ति का व्यवहार, सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए, चलो शिव कथा सुनाए।
बस सुनो ऐसा आया छाई घटा घनघोर। बिजली कड़की तेज थी बारिश बादल करते शोर। राहें सारी अस्त व्यस्त थी भरी नदी और नाले। लगता जैसे बाढ़ आ गई करता आप संभाले। घर से बाहर कोई न निकले मौसम की थी मार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। पुष्प चढ़ाने वाला सोचे मंदिर कैसे जाऊं। भक्ति कोई कम ना होगी एक दिन तो रुक जाऊं। यही सोच कर नहीं गया वो क्षमा मांग के सोया। घर में ही करता था भक्ति शिव वंदन में खोया। भारी बारिश पड़ती देख के वो था बड़ा लाचार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। लेकिन बेजू रुक ना पाया उसने नियम निभाया। कांटे लेकर मंदिर पहुंचा उसने रोश दिखाया। भारी बारिश बदल न पाई उसके ये इरादे। उसके नियम को देख के शंकर मन ही मन मुस्काते। सरल भाव और पक्के नियम से उसने किया मनुहार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। प्रकट हुए तब शंकर भक्तों बेजू देख घबराया। अपने कारण से शायद वो मन में था संकुचाया। शिव ने उसको गले लगाया तब ही बात बताई। नियम से तेरे मैं तो खुश हूँ बारिश में भी आया। सरल भाव तेरा मुझको है भाया मैं बलिहार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। अपने किए पर वो पछताता बेजू भगत थरोता। चरणों में गिर क्षमा मांगता शिव ने प्रेम से देखा। शिव ने उसको मान दिया था भक्ति को अपनाया। शिव की भक्ति पाकर वो तो बेजनाथ कहलाया। ज्योतिर्लिंग है जिसके नाम से पूजा करे संसार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। ज्योतिर्लिंग श्री बैजनाथ का पावन बड़ा कहाए। शिव के दर्शन के साथ सब भक्त के दर्शन पाए। महादेव की लीला ऐसी माया समझ ना आए। भक्तों के सब भाव को समझे भक्तों को गले लगाए। नीलकंठ शिव वरदानी की महिमा अपरंपार। सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाए चलो शिव कथा सुनाए। सुनाई भक्तों है सुखदाई। जन जन को है तारण वाली महिमा है फलदाई। शिव का वंदन करके भक्तों जीवन सफल बना लो। शिव चरणों का ध्यान लगा के झोली तुम भरवा लो। बाल न बांका होता जिसका शिव है तारण हार।
सोमवार करो शिव का पूजन होगा बेड़ा पार। दिवस की महिमा गाएं चलो शिव कथा सुनाएं। तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, आपने देवाधिदेव भोलेनाथ की कई कथाएं वेद पुराणों के माध्यम से देखी, सुनी और पढ़ी होंगी। जैसे भागीरथ का कल्याण करने हेतु गंगा के प्रबल वेग को अपने केशों में धारण करना, जैसे सागर मंथन के दौरान निकले हुए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करना, जैसे ब्रह्मा जी को वेद और रावण को लंका देने की कथाएं हैं, ऐसी ही अनेकानेक प्रेरणादायक गाथाएं हैं वेद पुराणों में पड़ी हुई। भक्तों, परंतु आज ये संगीतमय गाथा आप सभी को समर्पित कर रही हूँ। भोलेनाथ द्वारा दिए गए भस्मासुर को एक अनोखे वरदान के विषय में, जिससे आप जान जाएंगे कि मेरे भोले बाबा नाम के ही भोले नहीं हैं, परंतु सत्य में भी हैं। तो आइए सुनते हैं भोलेनाथ और भस्मासुर की ये पावन कथा। से है भक्तों, महाबली राक्षस था भस्मासुर। अपने तप के बल पर उसने अतुलित शक्तियां प्राप्त की हुई थी कि तभी उसने एक दिन असुर गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, मैं त्रिलोकी का स्वामी बनना चाहता हूँ, अजर अमर होना चाहता हूँ। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे कहा कि जाओ, शिव शंकर का घनघोर आराधन करो, पूरी सृष्टि में केवल वही हैं जो तुम्हें ये वरदान दे सकते हैं। ये सुनकर भस्मासुर ने भगवान भोले शंकर की घनघोर तपस्या की। कई हजार वर्षों तक अन्न जल सब त्याग कर एक पांव पर खड़े होकर भोलेनाथ का हठ योग किया। देवाधिदेव प्रसन्न हुए, उसे दर्शन दिया। तब वो असुर भोलेनाथ के चरणों में गिरकर क्या वरदान मांग रहा है, आइए श्रवण करते हैं। तुम्हें
राक्षस को अपने सन्मुख देखकर गंगाधारी भोलेनाथ हैरान हो गए और उससे कारण पूछने लगे। तब राक्षस कहने लगा, प्रभु जाते कहाँ हैं आप? आपने ये जो वरदान मुझे दिया है, भला ये सत्य होगा भी या नहीं, ये मैं कैसे जानूं? सो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आप ही के सर पर सर्वप्रथम हाथ रखूंगा। यदि आप भस्म हो गए तो मैं मान लूंगा कि ये आपका वरदान सत्य है, इसमें शक्ति है, और यदि नहीं हुए तो मान लूंगा कि आपने असत्य कहा है। भला भोलेनाथ का वरदान भी कभी असत्य हो सकता है भक्तों? अगर वो भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखता तो वरदान के प्रभाव से भोलेनाथ भस्म अवश्य हो जाते। सो ऐसा सोचकर भोलेनाथ भयभीत होकर आगे आगे भागने लगे भक्तों, और पीछे पीछे भस्मासुर उनके भागा जा रहा है। भागते भागते भोलेनाथ बैकुंठ लोक में आ गए, जहाँ पर श्री हरि शेष की शैया पर योग निद्रा में हैं। भगवान भोलेनाथ विष्णु जी का आवाहन करते हुए उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे क्या गुहार लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं भक्तों। पर श्री हरि विष्णु ने अपनी योग निद्रा को त्यागा और शेष की शैया छोड़कर भोलेनाथ के सन्मुख आ गए। उन्हें ढांढस बंधवाया और कहा, हे भोलेनाथ, आप कृपा कर हाहाकार ना मचाइए, आप सचमुच ही भोलेनाथ हैं प्रभु। आप ऐसा वरदान दे देते हैं जिसके पश्चात स्वयं आपके ही प्राणों पर संकट आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ उपाय करता हूँ। और श्री हरि ने कुछ उपाय सोचा और तुरंत मोहिनी का स्वरूप धर लिया। भक्तों असुर के सन्मुख पहुंच गए। असुर सुंदरता के तो पुजारी होते ही हैं, सो मोहिनी को देखकर असुर का मन डामाडोल हो गया और वो उससे विवाह करने को आतुर हो गया। तब मोहिनी ने ये शर्त रखी कि जैसे जैसे मैं नृत्य करती हूँ, अगर तुम वैसे ही नृत्य कर सकते हो तो मैं तुमसे विवाह अवश्य कर लूंगी। अब मोहिनी अपने ताल पर असुर को ताता थैया नचा रही है और होनी क्या खेल रच रही है, ध्यान से सुनिए भक्तों। आशुतोष शिव तुम्हें प्रणाम।
नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख दिया भक्तों, और असुर मोहिनी के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर ये भूल गया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भक्तों, मोहिनी का अनुसरण करते करते उसने अपना ही हाथ स्वयं के शीश पर रख दिया भक्तों, और भगवान शिव के वरदान के प्रताप से उसी क्षण वो भस्म हो गया। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धरकर भोलेनाथ के प्राणों की रक्षा करी। जैसे ही असुर का अंत हुआ भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि के मोहिनी स्वरूप को शीश नवाया और उन्मुक्त कंठ से उनके नाम का गुणगान किया। तो इस तरह श्री हरि के मोहिनी स्वरूप ने भोलेनाथ के प्राणों की रक्षा करी। तो आपने सुना भक्तों, कैसे मेरे भोलेनाथ असुरों को भी वर दे देते हैं और अपने प्राण भी संकट में डाल देते हैं। ऐसे भोले भंडारी की पावन महिमा का मन में ध्यान रमाते हैं। मेरे साथ उन्मुक्त कंठ में बोले शंकर भगवान की जय। हो स्वयं के शीश पे हाथ धराए, राक्षस स्वयं ही भस्म हो जाए। सोमवार की महिमा गाऊं, बुद्धि देवी शंकर जी नित कार में साचा हूं। विनती करू कर जोड़ की सुन लो, पूरन कहूं कथा मैं सुन लो। शिव जी हरेंगे वादा ये सारे, देव तुम्हें को चुन लो। महिमा कहूं महादेव की, सुनो लगा कर ध्यान। शंकर जय भोले भगवान, जटा जुट का रूप है प्यारा, गल में सर्पों की है माला। महादेव श्री नील कंठ जी महादेव है जय महाकाला। अजर अमर अविनाशी प्रगटे, स्वयं भी आए ग्रंथे कहते। भोली मन पे सदा रिझते, ऐसे जन को सब फल देते। सेवक जो भोले का बने, बरसे सुख है अपार। जय बोलो महादेव के लीला परंपार। साजे बाई कर त्रिशूल विराजे, मुक्ति मार्ग शिव भोले हैं का सब मूल बतावे। सोमवार दिन प्यारा लागे, इनका सदा विशेष कहावे। जो भी वंदन शिव का करता एक जीवन बन जावे। महादेव त्रिपुरारी के शुभकारी है नाम, पूजन होते पूरन काम। कैलाशीवासी शिव के है, अद्भुत है अस्थान शिव के। पर्वत बर्फानी गुफा है, कभी
शमशान में शिव है। ओघड़दानी है शिव मेरे संग अघोरी रहते इनके, शून्य समाधि में ये रहते शंकर भोलेनाथ के ऐसे अद्भुत रंग। महाकाल नागेश्वर है रहते मस्त मलंग। एक बार की कथा कहूँ मैं पूरा कहूँ बखान सुनो, मैं पार्वती की लीनी परीक्षा पूरा ज्ञान जो दूँ। राजा हिमांचल की सुता प्यारी गिरजा माँ बेटी है कुमारी, बनी अर्धांगिनी शिव से ब्याही संग में सदा सुहाई। भक्तों को प्यारा लगे गौरा शिव का रूप, सारा है सुनाया सती कथा का भेद बताया। गिरजा सुन तब वन को जाए ऐसी भक्ति समाए। घोर तपस्या तब थी साधी नाम लिया शिव का था सुभागे, शिव की वर्ण ही तू तप की ना चयन कर ली। मार्ग था आसान नहीं किया जो तप का काम, सब त्याग दिया ना प्रगटे भगवान। संत ऋषि सब मन में बिचारे गौरा माँ को आन निहारे, तप का कारण पूछने जाते शिव की वरण की है अभिलाषा। तब जानी थी सारी आशा रोक रही सब मिल गिर जा को, कठिन तुमको ना भाता। शिव सन्यासी जोगी है होगा कैसे में, कोमल तन है तपी कठिन देवी नहीं है खेल। जा तब ना अडिग हुई थी उसने सबकी बात सुनी थी, ऋषि मुनि पर्वत पे लौटे लगी दिल को वो सोची। तब शिव की था मन में आया लू मैं परीक्षा दिल में आया, योगी का तब वेश बनाया साधु वेश बनाए के लीन ही परीक्षा। गौरा माँ के बात बनी ना शिव की आगे, शिव ने मनसा जान ली सारी। डर है ये सुकुमारी तब ही रचाई ऐसी माया, रूप मगर का तब था बनाया। पास गांव में एक था लड़का नदी किनारे वो था आया, लकड़ी काटने को बैठा फिसला उसका पाँव, मगर बनी शिव शंकर ने तब ही चलाया दाम। शिव ने पैर को कस के पकड़ा हाय हाय वो था चिल्लाता, पार्वती तब स्वर सुनती थी मन से उठ बैठी थी। गिरजा मन में दया थी आ
ने तब वो बिसराई, उसने मगर से बिरय लगाई। छोड़ दो इस मासूम की जान, क्या गुनाह है इसने किया, बालक है नादान। बात मगर फिर भी ना माना, इसे ग्रसूंगा इतना जाना, ये तो अब आहार है मेरा, खाने का अधिकार है मेरा। मेरे तप का फल इसे दे दो, पार्वती कह प्राण को बख्शो, ना चाहूँ मैं फल को पाऊँ, केवल इसके प्राण बचाऊँ। पार्वती करने लगी विनती बारंबार, बालक ये मासूम है समझो इतना सा। की दया जो देखी शिव जी अपने रूप में आए, लीला प्रभु की देख के सारी हैरत से गिर जा भर जाए। ऐसी दया महादेव को आई, अपने तप की लगन भुलाई, तप का फल बालक को दीन हा, बचाए पुण्य खाकी हा। महादेव तब प्रसन्न हुए, तब ही हुआ विवाह, शिव का। शिव ने गंगा वेग को धारा, धरा पिलाए किया विस्तारा, पतित पावनी गंगा प्यारी, सबके पाप मिटाने वाली, पृथ्वी रक्षा हेतु आई, सकल मिटाए पूजन सारे शिव का करते, भोले नाम सुनते। महादेव शिवनाथ ने सब पे किया उपकार, भोलेनाथ के बंधन से होता बेड़ा पार। जब विष था निकला, शिव ने ही उसे ग्रहण किया था, नीलकंठ तब शिव कहलाए, जग को प्राण दिया था। अति भयंकर विष था हलाहल, शिव ने निकाला जिसका था हल, जब संसार पे संकट आया, सबको आन बचाया। सच्चे मन से करता है शिव पे जो विश्वास, रक्षा उसकी करते हैं शंकर भोलेनाथ। सावन में त्योहार है आता, शिवरात्रि का पर्व कहा है, गंगा जल सब अर्पण करते, सबको पार लगाए। जीवन मृत्यु के शिव दाता, जग सारा शिव में ही समाता, तारन हारा मंत्र है शिव का, नमः शिवाय मंत्र है शिव का, नमः शिवाय जाप से मिलता मोक्ति हार, भोलेनाथ के नाम से होता बीड़ा पार। कथा सुनाई भव से पार करे ये भाई, गाय सुने जो प्रेम से इसको, करे उद्धार जे भगतो। ओ घड़दानी शिव की माया, इसका कोई पार न पाया,
शिव की चरणों में जो आया, मुक्ति द्वार दिखाया। शिव की कथा का सार है, भक्ति का सबूत।